ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, और वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। अभी देखिए ये पर्दा था, पर्दे के बीच से सूर्य बाबा झांक रहे थे, मेरे बालक क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी झांकन से हम लोगों का जो चित्रण था वो पूर्ण नहीं हो रहा था जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको तो संसारी बनना है, आपको तो भौतिक में रहना, चराचरी में रहना है। तो यहां बैठे हैं भेदी, इन्होंने बोला पुट वन ओवर द अदर, पुट वन ओवर द अदर से ही काम हो गया। बाबा भी अपने आनंद में है, हम भी अपने आनंद में, और ये प्रारंभ अब हो रहा है। नमस्कार दुनिया, हमारे साहब को पद्मश्री कैलाश खेर से जानते हैं, लेकिन हैं बढ़िया है, मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन मेरे आंखों में आप कैलाश खेर नहीं, आप स्वयं कैलाशपति हैं, आप स्वयं भोलेनाथ हैं, आप स्वयं प्रभु हैं। और ये आपके ना सिर्फ आपके स्वर से निकलता है, आपकी आंखों से दिखता है, आपकी आत्मा से, आपसे मिलके जो मुझे खुशी हुई, शायद मेरे जिंदगी में किसी से इतनी खुशी नहीं हुई मुझे। आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी टू मीट यू। ये जो सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी टू मीट यू वाले वर्ड्स आए हैं ना साहब, ये मुझे लगता है ये दोनों की एक मैग्नेटिक एनर्जी है। जो आत्मा के अंश होते हैं वो ऐसे भाव में बहने लगते हैं। तो हम जब से जुड़े हैं, पहले परमात्मा ने दूरभाष से जोड़ा, पहले हम लोगों का फोन पर बात हुई, फोन पर बात होने के मात्र वो जो तरंगे थी वो आपस में खींचने लगी एक दूसरे को, जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ, ये कौन है ये कौन है, ये तो मेरी आत्मा का ही कोई हिस्सा है। तो वैसा हुआ, और आज मेरे दाता ने ये शुभ घड़ी कर दी, तो हम यहाँ एक दूसरे के समक्ष। तो पहले मैं आपको एक किताब दूं। हाय हाय क्या बात, ये लोग जैसे बनाते हैं, ये लोग खोलने की कोशिश करते हैं, खुलता नहीं ये किताब। तो ये आप ऐसे खोलिए कि ब्यूटीफुल, एंड दिस इज अ लिटिल स्मॉल लिटिल बुक जस्ट टू स्टार्ट एज अ स्मॉल हम्बल ऑफरिंग टू यू। क्या बात साहब, देखिए बात चाहे बेसलीके हो, मगर बात कहने का बात करने का सलीका चाहिए। आपका जो ये पुस्तक बनाने का ढंग है, इसी से हम इतने हैरान हो गए साहब। बहुत अच्छे आपकी, देखो सब नहीं करते, मैं बोल रहा हूँ अगर अपनी पुस्तक कभी आए तो चिया ऐसी आए। ये हो, ये तरीका हो जीवन जीने का। देखो जीवन सबको मिला है, आत्मन जी, AIR और रवि जी, इस पृथ्वी पर जीवन सबको मिला है, लक्ष्य सबको मिला नहीं। लक्ष्य ढूंढ रहा है संसार पूरा, हम क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। अच्छा ढूंढते ढूंढते निकल भी लेते हैं। हाथ आया ही नहीं और फिर वो चक्कर चलता रहेगा। तूने सारा जन्म गवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। तेरे चक्कर में तेरी सामग्री कोई और ही ढो रहा, तू ढूंढता ही रह गया। एक जन्म मिला है, क्यों ना उसको ऐसे जिए ताकि परमात्मा भी बोले अरे मेरे बच्चे ने तो बहुत सारा खत्म कर दिया मक्खन, अरे मैं तो बहुत खुश। जैसे माता पिता को खुशी मिलती है जब बालक पूरा भोजन खत्म कर दे, पूरा अच्छे से मक्खन खा ले, अच्छे से सारा जूस पी ले, अपने अपने समय पे सब कर ले, माता पिता कितने आनंदित होते हैं, हाँ मेरा बालक बहुत अच्छा अच्छे से सब फिनिश करके रखता है। मेरे परमात्मा परम पिता परमेश्वर भी इसी प्रकार से आनंदित होते हैं यदि आप भरपूर जीवन जी ले तो। अरे वाह, लेकिन जीता कोई है नहीं, कैलकुलेशन में लगा रहता है हर मनुष्य, यहां से इतना जोड़ लूं, वहां से इतना कर लूं, वहां से ये कर लूं, बस व्यापार, व्यापार में बस, हाँ बस फंसा रहे इसी में, मकड़ जाल में। ये आपके बॉलीवुड में एक सॉन्ग है ना साहब, एक गाना, आप शायद आपको ये तो आता होगा, वो लोग कहते हैं जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जान, ये या बोलो ना साहब, इनको लक्ष्य नहीं। मैंने थोड़ा जैसे आपसे मैं प्रेरित होता हूँ, मैंने क्या लिखा, जिंदगी एक सफर, मोक्ष का ये सफर, कौन हूं मैं जानना ये, और क्यों आया यही, कर्मों के कारण ही जन्म लेता कोई,
कर्मों से हो मुक्ति, मोक्ष पाना यही। जय हो बने तो रहो साहब। आप ना कैलाशपति जी, आपका एक गाना में सुना साहब जी, वो अनंत अनादि, yes. वो आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को सुनाइए। लेकिन वो जो मैंने सुना, उस दिन से मैं इतना प्रेरित हुआ, अरे इस परम आत्मा से मुझे मिलना है, क्योंकि ये परम आत्मा ही परमात्मा का दुनिया का अंश है। तो आप उससे शुरू कीजिए। तो उसके मैं चंक बताता चाहूंगा साहब बीच बीच में। हाँ। पहले मैं ये बताता हूं, ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये इसका ये उसका, ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना, लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा, ये प्रश्नों में उत्तर हुनीत दिगंता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। अब देखो रोंगटे अभी तक कैसे दिख रहे हैं, रोम रोम कैसे पुलकित हो रहे हैं। बिल्कुल। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। अरे वाह अरे वाह। तो मैं इतना प्रेरित हुआ, मैं तो आपके शब्द तो बहुत ऊंचे हैं, मैंने जो इंसान नहीं समझ सकता ना, मैं उनके लिए लिखा, यही बच्चे में लिखा, न तन हूं न मन हूं न मैं अहंकार, पैदा ना हुआ मैं कभी ना मरता, मैं क्या हूं आत्मा हूं अमर आत्मा, मैं तन मन अहंकार नहीं हूं मैं आत्मा, आत्मा तो अनंत है अनादि परमात्मा। लेकिन आपके शब्द तो बहुत ऊंचे हैं साहब साहब, पर मैं मेरे जैसा आदमी जिसको अनुभूति थोड़ी हुई है वो भी चौंक जाता है सुन सुन के। आपके आवाज, आपके स्वर और आपके शब्द में, मैं बोल रहा हूं ना, वेद पुराण वेद उपनिषद में इतना कभी कभी एनर्जी नहीं है, आपके शब्दों में मैं तो हिल गया। कब तक काया सदा तुम्हारी रहने की नाही, कार्तिक कार्तिक माह का ये विचार हम दे रहे हैं, 12 मास का 12 विचार है। कब तक काया सदा तुम्हारी रहने की नाही, और एक दिन ऐसा आएगा ये जले अगन माही, जले जैसे सूखी सी लकड़ी, हंसा छोड़ चले गढ़ काया सीधी सुरग राह पकड़ी, रे बाबा गुर गुर कहना सबकी सहना, ये तन झूठा जाल नाम साहिब का लेना जी। ये जो तन है ये मिट्टी है, और ये बहुत ही प्यारी मिट्टी है, बाबा ने अपने हाथों से गढ़ी है सबकी, कोई बड़ा सांचे में है, कोई छोटे सांचे में है, कोई ऐसे मोटे सांचे में है, अलग अलग सांचे बनाए मेरे बाबा ने, अलग अलग इसकी डाई क्रिएट की, अलग अलग पिंजड़े हैं, पिंजड़ों को ये लगता है कि हम कुछ हैं, नहीं हम हैया नहीं, मैं हूं ही नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। तो ऐसे प्रेरित होके मैं ऐसे कहता हूं कि ये तन तो पांच तत्वों से बना, ये तन तो नहीं मैं, मन को ढूंढा ये मन है कहां, ये मन तो कहीं नहीं है, अहंकार जो कहता है मैं हूं झूठ ये सच नहीं है, नेति नेति ये तन नहीं मैं, नेति नेति ये मन नहीं मैं, तत्वमसी मैं वो हूं। तो लोग मुझे पूछते हैं, मैं कहता हूं हवा, एयर, ए आई आर का मतलब हवा में जो शक्ति, मैं तो वही मैं ये नहीं, आसमां में जो मस्ती, मैं तो वही मैं ये नहीं, जो मैं दिखता वो मैं नहीं, सच में हूं मैं एक शक्ति, कण कण में जो है शक्ति, मैं तो हूं वो शक्ति। जैसे आप बोलते हैं ना, ऐसे मुझे लगता है कि कैसे परमात्मा ने हम दोनों को जुदा रखा है, कि आपके ख्याल और आपके बोल और मैं जो बोलता हूं एक ही बात है।
हाँ नहीं, जुदा नहीं रखा, जोड़े रखा है। जो कुशा होती है, कुशा एक ग्रास होती है, घास होती है, जिसको हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, अर्चन पूजन अर्चन में कुशा, दूब जिसे कहते हैं, दूब की घास, कुशा की घास। कुशा आगे से नुकीली होती है, अग्र होती है, थोड़ी उग्र होती है। उसकी जो जड़ें होती हैं वो आपस में मिली होती हैं। लेकिन कोई यहाँ खड़ी है, कोई वहां खड़ी है, जड़ें आपस में मिली। अरे वाह, अरे वाह। तो हम लोग कुशा हैं, तो पूजन विधि के लिए आए हैं। तन अलग है, आत्मा एक ही है, बस वही हुआ। तो कैलाशपति जी, आप मुझे बताइए, आप इतने सालों से इतना आत्मिक गाना गाते हैं, आप तो कंठ से नहीं, आप तो रूह से गाते हैं, तो क्यों फिर इस दुनिया में ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि सत्य क्या है? तो मैं आपको इसके लिए ये बताता हूँ साहब, जो हमारा अनुभव कहता है, हम सब यात्रा में हैं और 84 लाख योनियों की यात्रा में हैं। अच्छा, इस यात्रा में भी, इन इस योनि में भी आकर जब हम मनुष्य शरीर पाए हैं, तो हमें सबको लगता है कि हम मनुष्य हैं, सबको लग रहा है, लेकिन सब मनुष्य हैं ये आवश्यक नहीं। सावन जोबन थोड़े दिन का गर्भ नहीं करना, सावन सावन का ये विचार है, सावन जोबन थोड़े दिन का गर्भ नहीं करना, और क्या बुढ़ा क्या जवां क्या बालक है सबको मरना। बिल्कुल, क्या बुढ़ा क्या जवां क्या बालक है सबको मरना, किसी के कौन काम आवे, आज गया कोई कल यहाँ कोई रहने ना पावे, रे बाबा गुर गुर कहना सबकी सहना, ये तन झूठा जाल नाम साहेब का लेना जी। परमात्मा का ही अल्टीमेट ये होता है। इसलिए जब हम अपनी यात्राओं में होते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ ये कवच हमें मिला है तो हम मनुष्य हैं। सावन जोबन थोड़े दिन का गर्भ नहीं करना, और क्या बुढ़ा क्या जवां क्या बालक है सबको मरना, किसी के कौन काम आवे, आज गया कोई कल यहाँ कोई रहने ना पावे, रे बाबा गुर गुर कहना सबकी सहना, ये तन झूठा जाल नाम साहेब का लेना जी। अब हमको लगता है कि इस चोले में, इस पिंजड़े में जो जितने भी हमें दिख रहे हैं चराचर में घूमते, वो मनुष्य हैं ना, कोई लकड़बग्गा है चोले में मनुष्य की घूम रहा, उसको लकड़बग्गे की यात्रा ही जीनी पड़ेगी। अभी कोई कबर बिज्जू है, कोई जैकल है सियार, अलग अलग योनियों में स्वरूप में न ढले हुए, वो मनुष्य के स्वरूप में ढले हुए, परंतु वो कहीं ना कहीं अभी वो यात्रा जी रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि लोग क्यों नहीं समझते, समझने वाले लोग कम हैं। अच्छा, कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, बस समझी जा सकती हैं। बिल्कुल, वो अनुभूति चाहिए, अनुभूति चाहिए, वो जागृत चाहिए, वो चैतन्य चाहिए, सब में वो होता नहीं। तो काश मेरे जो बोल है मैं आपसे कैसे गवाऊंगा पता नहीं, लेकिन मैंने लिखा है कि मौत की सच्चाई क्या है, हम कभी ना मरते हैं, हम तो इस शरीर से मुक्त होते हैं जब ये तन मरता है, हम तो अमर आत्मा है, आत्मा कभी ना मरती है, एहसास जब होता है हम तन मन ना संसार से मुक्त होते हैं। सच है ना, लोग मौत के लिए डरते हैं, मौत के बारे में अगर आप, मैं किसी से बात करता हूँ ना मौत के बारे में, वो बोलता है अरे तुम मौत के बारे में क्यों बात करते हो यार। हाँ, वो अच्छा लगता है उन्हें। साहब आपने हमारे कुछ गाने सुने होंगे, तो उसमें हर गाने में हमारे एक शब्द जरूर आएगा, चाहे वो तेरी दीवानी हो, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, और जीते जी मर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी सुनाई सुनाई, ठीक है सुनाई। हर गाने में, ये मैं संदर्भ पहले दे देता हूँ फिर सुनाऊंगा। हर गाने में एक लाइन ऐसी होगी ही, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं। इसमें भी हमने ये तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, ये मर जाऊं, देखिए जो मरना होता है वो मुक्त होना होता है। बिल्कुल, और हम मुक्ति की यात्रा में। अरे वाह, मरते तो हम रोज हैं, मरते तो हम रोज हैं, क्यों, क्योंकि जब हम शयन करते हैं
तब हम उनको समर्पित हो जाते हैं, तब वो अपने पास बुला लेते हैं, बाबा हमें खींच लेते हैं, आजा खेल मेरे साथ। तो रात भर खिलाते हैं, दौड़ाते हैं, थकाते हैं, चार्ज भी करते हैं, जितना थकाते हैं उतना ही रात को वो पूरा चार्ज करके फिर सुबह जीवन में डालते हैं। चल भाग नीचे खेल चला, सुषुप्ति, सुषुप्ति बोलते हैं। उसके बाद हम फिर से जागृत अवस्था में आते हैं और अपनी यात्रा जीते हैं। तो मरते तो हम रोज हैं, बस ये है कि जो आपने बताई बात कि सब मनुष्य दिखते हैं लेकिन होते नहीं। काश आपकी आपकी जो आपका ज्ञान है, आपका स्वर है, काश मेरा यही प्रार्थना है प्रभु से कि कैलाशपति के द्वारा अभी से यही एक मकसद है, लोगों को रोशन करें। ये गाना आपने लिखा ना, मैं एक दो बार सुनता हूँ फिर प्रेरित होता हूँ। आपने क्या लिखा, तू जो छू ले प्यार से, मैंने लिखा दर्शन प्रभु का पाऊं, तेरे प्यार से योग हो, प्रभु से मैं एक हो जाऊं, प्रेम योग में मैं खो जाऊं, सैया सैया प्रभु से कोई प्यार कैसे कर सकता है, प्रेमी में जो प्रभु पाता वही करता है, प्रेमी प्रेमी नहीं है, प्रेमी सच में देवी है, जो प्रेमी में प्रभु को पाता वही तो सच में प्यार है करता, प्रेम से फिर हो जाता है प्रेम योगा ये। आपके गाना ने आप, मैं सुनते ही मैं इतना प्रेरित हो गया ना कैलाशपति जी, मैं इतना प्रेरित हो गया ना। मैं तो आपसे इसलिए बहुत चकित हूँ और हैरान हूँ कि ये मेरे दाता इस आयु के पिंजरे में भी इतना प्यारा बालक बैठाया है आपने, अपना मोहक बालक बैठा दिया। और you are amazing. और जो आप लिखते भी हैं वो भी बिल्कुल सहज है, उसमें कोई शिल्प और क्राफ्ट, देखिए माइंड का खेल ही नहीं, माइंड से हट ही गए आप, सीधा आप हृदय में चले गए। तो हृदय है तो वो तो जैसा भी होगा, देखिए उसके लिए शिल्प क्राफ्ट इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर बहुत ज्यादा न्यूएंसेस और ये सब, बस इसको अब हम क्या करेंगे कि जगत में उतारने के लिए जो आपके लेखन है उसको फिर वैसा करेंगे जैसे जगत की भाषा होती है। जगत को आप कुछ भी ऐसे ही परोस के दे देंगे तो वो वैल्यू नहीं होगा, समझ जाते हैं उनको। सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो शेफ होते हैं इंटरनेशनल मास्टर शेफ, दिस शेफ, ये सर हमारे जो दादियां नानियां माँ जो बनाती थी घरों में, ये आफत चीजें बनाती थी, लेकिन अब उनकी वैल्यू खत्म है क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन थोड़ा बिल्कुल भलेपन की थी, होती थी। अब जो विदेशी मास्टर शेफ और ये शेफ बड़े 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 ग्लोरीफाइड टर्म्स आते हैं, वो आपको खिला रहे हैं धनिये का एक पत्ता, ध्यान से सुनिए, धनिये का कोरिएंडर का एक पत्ता और साहब साइड में एक काजू और कुछ हल्का सा चटनी, हल्की सी चटनी में मीठी, ये भी नहीं कि तीखी हो, ठीक है, लेकिन उसका ड्रामा इतना, एक प्लेट होगी कम से कम 100 पाउंड की एक प्लेट होगी, उस पे गोल्ड का कुछ चिपका होगा, उसमें एक जगह ये चटनी का ऐसे जैसे चिड़िया की बीट हो, एक हल्की सी धनिया का एक पत्ता ऐसे बिछाया हुआ, यहाँ पे दो काजू, ओह दिस इज समथिंग वेरी यू नो दिस डिश इज कॉल्ड दिस एंड दैट, बस आप पगला आ गए क्योंकि आपके पास अब दौलत है, अकल है नहीं, अकल नहीं है लेकिन दौलत है, तो आपको ये आकर्षक लगेगी। लेकिन वो जो दादी नानी जो ऐसे कूट के अपने हाथ से ऐसे पीस के और चटाती थी बाकायदे, ये चाट ले, यहां भी थोड़ा लग जाता था, तो फैशन से दूर थी वो दुनिया। आप वो हो, अब दिखावा कम हो, लेकिन ये संसार को दिखावा, देखिए मार्केटिंग ब्रांडिंग तभी हो सकती है व्हेन यू पैक पैकेज, व्हेन यू मेक अ पैकेज लाइक वाओ नोबडीज बिजनेस, सी बैड प्रोडक्ट गुड मार्केट, दिस इज व्हाट
people accept. That's the psychology. The manovritti hai manushya ki. Very sad. Lekin, sir, sad to dekhe. Sad aur bagair sad is okay. Is duniya mein jo hai, bas hai. Sad, bad, good, ye sab hamari state of mind hai, perception hai. Main bolta hoon, is sansar ko ye bhasha samajh aati hai, कि उसको पैकेज ऐसा कर दो. देखिए जैसे अब आपने इसके अंदर पुस्तक क्या है, बड़ी प्यारी सी, मेरे साइज की है, छोटे साइज की, लेकिन आपने ये पहले ऐसा बना दिया इसका, जो दुनिया 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 इंप्रेस होके उसको पढ़े. देखिए मैं भी पहले ये इसी से इंप्रेस हुआ ना. हमारे मन को भी ऐसा देखते ही हमने अपनी टीम को बोला, यदि कुछ करना है तो ऐसे पैसे खर्च करना, क्योंकि ये सब करने के लिए पैसे खर्च होते हैं. लेकिन पैसे खर्च होते ही और पैसे आते हैं संसार को, क्योंकि यही सब आता है. तो ये संसारी भाषा में हम इसको, आपकी गायकी और आपकी जो ये लेखन है, इसको हम वैसा स्वरूप दे देंगे जो संसार समझता है. थोड़ा उसको न्यूएंसेस उसके करेक्ट करके, उसकी राइम्स, उसका ये करके संसार वाले रूप में देंगे. आई विश मैं, मतलब सोल वही होगी लेकिन बॉडीज जो हैं परमात्मा को बोलेंगे, बाबा अलग अलग पैकेज में ऐसे सुंदर जरा रैंप टाइप के बॉडी डाल दो, ऐसे ओए ओए ऐसे पगला जाए, जैसे उर्वशी आ गई हैं, मेनका आ गई हैं, सब आ गई, जैसे लो इसी से मोहित होके मर जाओ. तो वेरी गुड, मेरी इच्छा है, पता नहीं आप कैसे हमें मदद करेंगे, लेकिन ये जो मैसेज है जी, ये जो आपके आत्मा भी जो मैसेज है, मेरी आत्मा भी ये मैसेज है, ये मैं चाहता हूँ कि हमारे जीवन के पूर्ण होने के पहले जी, हम इसे लोगों तक पहुंचा. होगा होगा साहब, कैसे इसीलिए मिलाया है. देखिए बड़ों ने काढ़ी कार लिकड़ी पारंपार, अब ये कार लिकाड़ दी, मेरे बाबा ने हमको मिला दिया. मिलाने का पर्पस ये है, दो धाराएं मिलती क्यों है, ताकि वो गंगा बन जाए. अलकनंदा और भागीरथी तो चली थी, लेकिन दो को एक साथ कर दिया तभी गंगा बनी, तब उनको गंगा बना दिया. तो इसीलिए हमें मिलाया है, ताकि हम और प्रज्वलित होकर अब इस पृथ्वी को, देखो जो जागता है वही जगाता है. अब दो जागे हुए मिल गए और एक 11 होते हैं. अरे वाह. और हम लोगों का जो पावर है वो तो परमात्मा ने 1100 वाली डाली है. वेरी गुड. तो लोग कभी कभी मुझे पूछते हैं कि ये जन्म मरण का चक्कर थोड़ा समझाओ. तो किताबी जब मैं लिखता हूं तो हिंदी में मैंने उनको ये कहा, पुराना गाना, वो क्या मेरी तकदीर जो पैदा हुआ मैं, संसार में आया मैं, संसार में आया मैं क्यों, क्या मैंने किया है, मुक्ति मुझे पाना है, मुझे मोक्ष पाना है, फिर क्यों फंसा मैं, संसार में मैं फंसा क्यों, क्या मैंने किया है. तो लोग ये उलझे हैं. उलझे हैं. तो मैं समझाता हूं उनको जी, कि तन जो मरता है, तत्व उपनिषद में दो ही बातें लिखी जी. तो जब तन मरता है जी, जिसको एहसास हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, वो मुक्त हो जाता है. मुक्त हो जाता है. जिसको एहसास नहीं होता है हाँ, वो रहता है. तन मरता है. मन और अहंकार, जो इंग्लिश में बोलते हैं मी, माइंड एंड ईगो, मन और अहंकार वो वहीं रह जाता है. उसके बाद उसको अगली जर्नी में फंसना पड़ता है कर्म के कारण. ये ले बेटा, तू अभी फंसा रहे, तू निकलना ही नहीं चाह रहा. एक दो बार तो दो चार फंसा ले फंसा. मैं अपने पिताजी का पोर्ट्रेट देख रहा था. पिताजी हमको चले गए थे 2008 में छोड़कर, लेकिन बड़े आनंद में गए. पिताजी के जाने के बाद ही वो गाना आया था, आज मेरे पिया घर आवेंगे, क्योंकि वो इतने आनंद में गए, इतना उत्सव मनाते हुए गए, कि मैंने उस स्थिति पर ही एक गाना ये लिखा था. वेरी ब्यूटीफुल. चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे. जैसे कोई पिया आ गए उनसे मिलने और उनको लेने, जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन होता हुआ कोई पूरे तीनों लोकों में उत्सव हो रहे हैं. तो ये तब है. अब जब पिताजी की याद आ रही थी, एक दिन ऐसे मन प्रफुल्लित हो रहा था किसी बात को लेकर, तो पिताजी के पोर्ट्रेट पे ऐसे दृष्टि गई और ये हृदय में बहने लगी नैया धारा. बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहां विपदा ना हो समझो के भगवान नहीं. आसान है तुमको बतलाना हे परमेश्वर, आसान है तुमको बतलाना
हे परमेश्वर तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। सब सब रूठो जो मेरा साहेब राजी, सब सब रूठो जो मेरा मालक राजी। ओ मारी अरज सुनो हे पिताजी, हो मारी सुध लीजो जी हे पिताजी, हे पिताजी। फिर हमने लिखा मैं फंस गया हूँ इस मकड़ जाल में, मैं फंस गया हूँ इस मकड़ जाल में, गए छोड़ के क्यों माया जंजाल में। अरे रिश्ते नाते बस हाजी हाजी, बात बनाते अजी कई गुना जी। पहले मैंने पहले भगवान ने क्या भरा, रिश्ते नाते बस हाजी हाजी, दिल ही दुखाते अजी कई गुना जी। ये आया था पहले भारी, पहले बाबा भारी देते हैं। आपने हनुमान की बात कही, आपने सुना है जैसे हनुमान से पूछा श्री राम ने, तुम्हारा मुझसे क्या है नाता। जैसे हनुमान से पूछा श्री राम ने, तुम्हारा मुझसे क्या है नाता। हनुमान ने कहा प्रभु दास हूँ आपका, हनुमान ने कहा प्रभु दास हूँ आपका। पर जब ज्ञान हो गया मैं एक आत्मा, जब ज्ञान हो गया मैं एक आत्मा, मैं भी एक आत्मा आप भी तो एक आत्मा है, फर्क कोई ना हमारा। हनुमान के एहसास से राम जी प्रसन्न हुए के दोनों सच में परमात्मा, परमात्मा। मेरी बहन है, हमसे थोड़ी छोटी हैं कुछ वर्ष, तो मेरी बहन ने हाथ जोड़कर बोला भाई साहब ये बहुत ज्यादा रुला देगा, दिल ही दुखाते हटा दीजिए प्लीज। हाँ। जबकि ये सत्य था। हाँ। लेकिन मेरी बहन सत्य भी झेल ना पाई। रिश्ते नाते दिल ही दुखाते, हमने ये लिखा था कई गुना जी, क्योंकि जो अपने होते हैं वो ज्यादा दिल दुखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद हमने बस इसको हल्का कर दिया, रिश्ते नाते बस हाँ जी हाँ जी, बात बनाते बस कई गुना जी। हमारी अरज सुनो पिताजी। तो हमने ये मकड़ जाल भी उसमें बताया, ये संसार कैसे मकड़ जाल है, कैसे सब उलझे हुए हैं, एक दूसरे को फुद्दू बना रहे हैं मरते दम तक, झूठ झूठ बोल रहे हैं। तो आपके ज्ञान से मुझे दो दो समझ में आए, दो बातें समझ में आए। एक तो लोग माया नहीं समझते हैं, तो मैं तो गाता नहीं हूं बरोबर, लेकिन आपको ये गाना है कि ये शब्द कैसे आप गाएंगे कि माया माया चुपके से आके, सच को छुपा के मिथ्या को दिखा के, बोले ये संसार सच्चा है ना सच्चा, सब कुछ माया है। ये आत्मा छुपा के तन को दिखा के, मन को दिखा के, बोले अहंकार सच्चा है ना सच्चा, सब माया, कुछ माया है। वाह जी वाह। तो मुझे तो आपकी आवाज जो है ना कैलाशपति जी, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि कैसे आपने कर्म के बारे में सोचा। अभी दुनिया समझती है अच्छे कर्म करेंगे तो प्रभु को पाएंगे, अरे वो ये नहीं समझते हैं बुरे कर्म करेंगे तो दुखी जिएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे अच्छा जीवन फिर मिलेगा जी। तो मैंने उनको क्या कहा, कर्म अच्छा जो कमाता है, मरता फिर वो जीता, मकसद मुक्ति पाना है, प्रभु से एक होना, संसार से मुक्त होना, प्रभु को है पाना, यही मकसद है जीने का, संसार की माया से मुक्त होना, भक्ति से ये होता। ओ जी, अब
इनकी लिखावट बालक की तरह नहीं, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना कोई तरह जैसे बालक, छोटा बालक एक पेंटिंग करता है, अच्छा उस पेंटिंग के हम अर्थ निकालते रहे बस, क्योंकि उसमें तो परमात्मा बसे है ना, आपका वो है लेखन उसको, लेकिन हम संसारी भाषा में तो उसको संसारी स्वरूप में हम करेंगे, आपको करना है बस वो करेंगे। मेरे दाता ने देखिए, ये दाता है, ये जो कैमरे हैं ये मशीन नहीं, ये ईश्वर है, हम इससे शरीर से अलग हो जाएंगे, परंतु ये जो वस्तु बनकर ये कैमरों में चिपक गई है, आप और हम, ये सदा रहेगी, तो इसको हम ऐसे छोड़ के जाए, हम चले जाएंगे लेकिन हमारा मैसेज नहीं जाएगा, तो क्योंकि ये इतनी गहरी बात अब हो रही है, तो इसमें प्रमाण जा रहा है कि ये करेंगे हम साथ, बिल्कुल हम इसको अच्छा बनवा लेंगे। लेकिन थोड़ा ले गया जी, जी। ये गाना था, गीत आपका था कि तेरी दीवानी, तेरी वो सुनाइए थोड़ा, उस पर हमने हमने उस पे उससे भी हम बहुत प्रेरित हो गए जी, बहुत अच्छे। तो वो कहते तेरे नाम से जीलू, ऐसे कुछ है ना जी, सुनाइए थोड़ा, सुनाइए तेरे नाम से जीलू, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, यहां भी देखे मर जाऊं हमारे हर गाने में मर जाऊं जरूर बहुत, है बहुत अच्छा। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी आत्मन की दीवानी, दीवानी AIR की दीवानी, दीवानी रवि की दीवानी। आप पता है, आप पता है, आपको आपकी कुछ कुछ सुनते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ प्रभु कुछ आइडिया दो, कुछ सॉन्ग वर्क, उन्होंने क्या दिया, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, मैं सच में कुछ ना, सब तू है मैं जानूं, तेरे बिन मैं क्या हूं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं, अनुभूति हो गई अनुभूति, अनुभूति हो गई अनुभूति, तेरे बिन मैं क्या हूं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं, मैं हूं अभिव्यक्ति तेरी, अभिव्यक्ति कण कण की अभिव्यक्ति तेरी, अभिव्यक्ति। तो ये इसमें अंतर आपने क्या लिखा इसमें, थोड़ा सा, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है, तेरे बिन यदि मैं जीऊं तो ये खुद गर्जी होगी, ये सेल्फिश हो जाएगा खेल, यार तू नहीं तो बस हम भी नहीं। आपके गीत है ना, ये इश्क हकीकी है, सूफी बोलते हैं इश्क हकीकी है साहब। तो मैंने क्या लिखा इसमें, प्रीतम में जिसे रब मिले इश्क वो है, वाह, प्रीतम में जिसे रब मिले इश्क वो है, प्रीतम फिर प्रीतम नहीं है देवी है, वाह, रब से जो प्यार पल पल करता है, वाह, प्रीतम में वो देवी को पाता है, प्रेमी फिर प्रेमी ना प्रेमी तो देवी है, प्रेमी फिर दे प्रेमी ना प्रेमी तो देवी है, देवी मंदिर में ना देवी प्रेमी में है, ओहो, प्रेमी में जो प्रभु पाता वो ही प्यार करता, और कोई प्यार प्यार नहीं है, अनुभूति हो गई अनुभूति, वाह जी वाह, क्या बात, आपको तो सही में हो गई है, आप तो पा लिए हो, आप पा लिए हो साहब, तभी आप इतने आनंदित हो रहे हो। देखिए, मेरा क्या है, है तेरा सब, मेरा पागलपन मेरा रब, अरे वाह, मेरा क्या है, है तेरा सब, मेरा पागलपन मेरा रब, मुझ में तू है मुझसे ज्यादा,
मेरी हिम्मत तू इरादा हो रत्ती रत्ती ओ माशा माशा तेरे बिन दुनिया तमाशा हो तू है भीतर और बाहर ये भला सारी हो इश्कदारी हो इश्कदारी हो इश्कदारी हो इश्कदारी मेरा क्या है, है तेरा सब मेरा पागलपन है मेरा रब ये जो आपका पागलपन है आपके अंदर एक जो बालापन है एक मासूमियत है ये इश्क है इश्क इश्क हकीकी है ये प्रेम है ये परमात्मा से प्रेम है ये संसार को समझ नहीं संसार की नजरों में आप और हम पागल होंगे पागल अरे पागल है सरका हुआ है भाई सरका हुआ होना जरूरी था हम लोगों को सरका ही हुआ होना बिकॉज समझदारों ने देखिए दुनिया को क्या बना दिया ये सब समझदार संसार संसार जो है ओहो एक से एक दिमाग बाजों से भरा पड़ा दिमागदारों से देख लो क्या हालत कर दी संसार की कितनी दुख की बात है कि लोग ये बिजली को मानते हैं ये बिजली है लेकिन जो हमारे अंदर जो शक्ति है वो नहीं मानते हैं तो मैं क्या गाता हूं उनके लिए ऐसे भी कई चीजें हैं जो दिखती ना महसूस हम करते रोशनी मिट जाती जैसे बिजली जाए अंधकार हो जैसे बिजली को कोई देख ना सकता शंका पर कोई न करता तुझ पे लोग क्यों शंका करते तुझ पे लोग क्यों शंका करते तू ना हो तो मर जाते सब सर झुका के मैं जीता तू कहाँ है तू कैसा है ये सवाल करते हैं नाथ जग ये माने ना माने जग ये माने या न माने तू तो है जानू मैं ना उसमें कुछ प्रभु का मजा ही नहीं है वो इश्क जो नशा है वो नशा ही नहीं है तो आपको कैसे आप बताने आप कैसे गाएंगे ये मैं कहता हूँ प्रभु से मेरे दिल में बस एक तुम ही हो तन मन में और कोई नहीं हो ऐसा हो जाए बस एक तुम ही हो इतना भर देके और कुछ नहीं हो है ये आस्था मुकम्मल तुम ही हो है ये आस्था मुकम्मल तुम ही हो जीवन में मेरे और कुछ नहीं हो कण कण मेरा तुम बस तुम ही हो और कुछ भी आए जगह नहीं हो मेरे तन मन में मुकम्मल तुम ही हो बस एक तुम ही हो बस एक तुम ही हो वाह साहब ये बताइए कि ये पिंजड़े का निर्माण कहाँ हुआ ये तो निर्माण कहाँ हुआ निर्माण थोड़ी है ये तो प्रभु की एक छवि ये मेरे दाता की लीला कहाँ रची पहले किस खंड में रची देखिए हमारा प्रभु पाना यही मकसद है मरने से पहले प्रभु को पाना है कैलाशपति जी आप स्वयं कैलाशपति हैं मैं सिर्फ बोलने रहा हूं मेरी आत्मा से ये मैं बोल रहा हूं ये मेरी आत्मा से सत्य की वाणी है ये सत्य की वाणी है लेकिन लोग नहीं समझते हैं दो ही बातें हैं जिंदगी में लोगों को यह समझना है कि मैं कौन हूं और यहां पे क्यों आया लोग प्रभु की पूजा करते हैं तो मैं लोगों को क्या कहता हूं आप देख रहे हैं कि कितनी दुनिया में कितनी लड़ाई तो मैं लोगों को कहता हूं प्रभु पास है प्रभु पास है दूर नहीं वो प्रभु पास है आत्मा ही परमात्मा है दिल के अंदर उसका निवास है शिव भी वो वही राम है हनुमान वो वही घनश्याम है
सच है कि नहीं कैलाशपति जी? बहुत बहुत गहरी बात। आपके अंदर स्वयं प्रभु यहाँ पे है, हैं साहब। वो है ना वो हिरण, वो जो कस्तूरी ढूंढती है जी साहब, वो हिमालय की चोटियों पे कस्तूरी हिरण ढूंढती है। हिरण वो कस्तूरी को ढूंढती है। मैं लोगों को बताऊं पागल, हिरण कैसे ढूंढता है कस्तूरी बेचैन से, ना जाने वो उनके नाभि में है रे। वैसे ही हम सब प्रभु ढूंढते हैं, अंदर प्रभु है बाहर ढूंढते हैं। क्या बात है। तो साहेब ये पिंजड़े का निर्माण कहां हुआ? मैं नहीं पैदा होता नहीं, मैं मरता नहीं। अच्छा। मैं तो अमर वो आत्मा हूँ, अजर अमर नेती ये नहीं। आप ये देख रहे हैं? हाँ समझ गए कैलाशपति जी। मैं यहाँ पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। लोग जब मुझे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, तब मैं क्या बोलता हूँ उनको? बधाई किसको है देता हूँ जन्मदिन इसका, पर ये मैं नहीं। बधाई मुझको क्यों है देता, मेरा जन्मदिन नहीं, पैदा हुआ नहीं, मैं कभी नहीं हूं मरता। बधाई जन्मदिन की ये कैसी। हाँ। साहब मैं भी, हमसे भी जैसे अभी अमृता ने पूछा कैसे हैं आप, तो मैं मन ही मन बोल रहा था किसी दिन सच में बता दूंगा। क्योंकि कैसे हैं आप इतना आसानी से बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। पहले उस धरातल पे आना पड़ता है कि आप कौन हैं, और जब जब उस धरातल पे आ जाओगी तो बोलना भी कम हो जाएगा, बिन बोले बातें होंगी फिर। तो फिर हम कैसे हैं ये आप बताया करोगी। तो पर आपकी आपकी जो गीत है ना, जैसे मैंने सुना आपने उसको, उनको नाम क्या दिया है? कैलाशा। कैलाशा, अरे नाम ही इतना बड़ा है कैलाशपति का, कैलाशा। बस साहब कैलाशा हम गाते हैं। लेकिन ना मेरी बस आपसे एक ख्वाहिश है साहब, आप ना आपका जो स्वर है ना साहब जी, वो प्रभु के गीत से और प्रभु की ये जो वाणी है, प्रभु का सत्य जो है ना, जैसे बॉलीवुड में ये लोग सब लोग बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, क्या समझते इसका मतलब क्या है? नहीं समझते, वो बिना समझ के बोलते। हाँ, वो गाते हैं। हाँ, वो यही हाउ आर यू नाइस टू मीट यू, वो ऐसा है, ये ऐसी दुनिया है। देखिए आई एम फाइन, आई यू आर फाइन, या आई एम फाइन, झूठ बोल रहे हैं और दोनों बोल रहे हैं और दोनों समझदार हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के हैं दोनों। दुखी है, दुखी है, इसीलिए दुखी है ना, झूठ बोल रहे हैं। और ये नहीं समझते दुखी क्यों है, यही तो देखिए ना, दुख का कारण ही ये है। मैं कल हमारा शूट चल रहा था, उस शूट पे हमने भावाकुल होकर व्याकुल होकर एक बात कही कि हे मेरे दाता, पढ़े लिखों ने तो ये देश भी चलाया आजादी के बाद, पढ़े लिखे कोई कैम्ब्रिज से आया, कोई ऑक्सफोर्ड से आया, कोई बड़े बड़ी जगहों से आया, ओहो सबको लगा भारत के भले लोगों को, ओ यार ये पढ़े लिखे ये चला लेंगे देश। क्या चलाया? देश बेच दिया, खनिज बेच दिया, कोयला बेच दिया, तेल बेच दिया, देश के संसाधन बेच दिए, ऊपर से एक और बात कर दी कि संसाधनों पर अब उनका हक है जो कुछ नहीं कर रहे। अरे भैया ये है आपकी पढ़ाई लिखाई, और अब देखिए कोई आया सन्यासी टाइप का जीवन जीता हुआ, वो कह रहा है ठीक है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं भाई, लेकिन मैं देशवासी मुझे प्यार करे और मैं देशवासियों से प्यार करता हूं, मैं प्रेमी हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। देखिए प्रेमी में और वाचाल इंटेलिजेंट में यही अंतर है, प्रेमी समर्पित होता है, इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो अकड़े हुए रहते हैं, उनको एक उनको पढ़ाई लिखाई की अकड़ यहाँ से, डिग्री पावर उसकी अकड़ यहाँ बैठ गई, वो ऐसे अकड़े अकड़े रहते हैं, और दे आर वेरी टाइडी यू नो ऑर्गेनाइज्ड एंड यू नो दे शुडंट बी वेरी यू नो डैपर लुक एंड दिस एंड दैट, कुछ 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 झूठ कपट करके यदि आप डैपर बन रहे हैं डूब मरो, इसीलिए हर हर तीसरे घर में कैंसर घूम रहा है, हर तीसरे घर में पृथ्वी पर अब कैंसर है, और एक कुदरत का खेल देखिए प्रकृति का, अमीरों में ज्यादातर कैंसर घूम रहा, क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो बिगाड़ लिए सब, बिल्कुल पढ़ लिख के भी इंटेलिजेंस भी किसी काम ना आई, भोलापन आपका मिट गया, हम सब शिवत्व से परिपूरित हैं, हम शिव पुत्र हैं, शिव पुत्रियां हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर शिवत्व मिट गया, संतुलन मिट गया, हम घमंड को बड़ा मानने लगे, ईगो को बड़ा मानने लगे, मर जाओ अब ईगो,
पहले मंदिरों में भीड़ होती थी, अब सबसे ज्यादा भीड़ हॉस्पिटलों में होती है। पहले हमारे यहाँ जश्न उत्सव भी मंदिरों में मनाए जाते थे, पिकनिक भी मंदिरों में मनाए जाते थे। भोजन और भजन जिसका बिगड़ा उसकी स्थिति बिगड़ गई। भोजन और भजन, अरे दोनों खत्म हो गए। दोनों, जिसका भोजन और भजन बिगड़ गया, जीवन भी उसने बिगाड़ लिया। ये है सच्चाई दुनिया की। भाग रहे हैं इधर उधर और बन रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट, क्या इंटेलिजेंस का करोगे अगर घर में दुख है तो? इंसान ये नहीं जानते मैं कौन हूं। नहीं, कौन हूं से पहली बात है साहब, यदि हम छोटा सा सहज में रह के, भलेपन में रह के, जब छोटा बालक होता है तो हम छोटे बालक को प्रिंस और प्रिंसेस, एंजल, ये सब कहते हैं हर घर में, गरीब घर में भी अमीर घर में भी। लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि बड़ों बड़ा होते 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 वो एंजल, वो प्रिंस प्रिंसेस अचानक हैवान होते हैं, शैतान होते हैं। उनकी बुद्धि ऐसी चलती है कि पूरे की पूरी बिल्डिंग कैसे बेचनी है बेईमानी से, इस बंदे को कैसे बेच दूं, ये तो भला आदमी लगता है, कुछ थोड़ा सरका हुआ है, इसकी है किताब विताब हम निकलवा देंगे, इसको बेच ही देते हैं। तो पता लगा, देखिए आपके भलेपन को हम अपनी होशियारी से कैसे ट्रैप करके और अपनी होशियारी को कितना बड़ा बना रहे हैं, संसार ये चल रहा है साहब। तो लेकिन ये तो ये लोग पहली पोड़ दी छोड़ वो छत पे दौड़ लगाना चाहे, एक एक पैड़ी चढ़े बिना मंजिल को कैसे पावे। तूने प्रक्रिया को अगर लांगा है तो मेरा दाता देख रहा है, दाता प्रक्रिया लांगने देगा नहीं बेटा। एक एक पैड़ी चढ़, तरक्की कर। तरक्की करना बुरी बात नहीं, प्रगति करना बुरी बात नहीं, लेकिन किसी को सताकर, यदि आपकी इंटेलिजेंस प्रगतिशील आपको बना रही है तो डूब के मरने जैसी स्थिति है। और सजा कौन देता है, दंड कौन देता है? प्रकृति देती है। प्रकृति का दंड मैं बताता हूं कैसे होता है। प्रकृति अपने ऊपर लेती है फिर दुख, सारे दुख अपने ऊपर लेती है। प्रकृति मनुष्यों को दंडित नहीं करती, अपने ऊपर लेकर अचानक भूकंप लाती है कि चलो अपना स्वरूप बदल देती हूँ। मेरे दाता को एक दिन रुद्र रूप मेरे भगवान शिव को हुआ 2013 में, और वहां पर जल प्रपात बनकर वो बरस पड़े। क्लाउड बस्ट हुआ। क्लाउड बस्ट तो अंग्रेजी के ग्लोरिफाइड वर्ड है सर, जल प्रपात बनकर। देखिए सर, एक मैंने, हम लोगों ने, परमात्मा लिखवाते हैं हमसे, तो हम एक पाइप है, मेरे दाता अमृत बनकर बहते हैं, करेक्ट आत्मन जी। तो उसमें ये हुआ कि जलथल गगन समीर छांव और धूप है, जलथल गगन समीर छांव और धूप है, पांच तत्व, और बियाबान सन्नाटा ही शिव रूप है। कभी प्रकट हो जाते, कभी जलथल गगन समीर छांव और धूप है, बियाबान सन्नाटा ही शिव रूप है। शान सलोने रुद्र रूप महादेव हैं, कभी प्रकट हो जाते पर्वत के वेश में, कभी भयावह और विकराली वेग में। तो विकराली वेग बनकर आए, जल प्रपात बनकर आए और हजारों को चाट गए एक सेकंड में। और लोग समझ नहीं पाते हैं क्या है। समझ, सुनिए, समझ गए सर, चाट गए मेरे दाता। थोड़े दिन के बाद, जब चार पांच दिन के बाद होश में आया संसार, देखा यार यहां तो रामबाड़ा था, रामबाड़े में तो 35,000 की आबादी थी, वो कहां गया रामबाड़ा? सब साफ, मेरे दाता चाट गए रामबाड़े को ऐसे। फिर भी नहीं होश में आ रहा मनुष्य। पगलो, तुम्हारी औकात नहीं है चलाकी दिखाने की, झूठ कपट की औकात भी नहीं है, प्रकृति ऐसे चाट जाती है। मेरे दाता का रुद्र रूप आता है तो आंसू बनकर बरसते हैं, सिर्फ एक आंसू गिराया था, जल प्रपात जो था वो एक बाबा का आंसू था। अगर सच में धारा बह बहा दे तो पूरे जग को ले जाए बहाकर। फिर भी मनुष्य, चेतरे नर चेतरे, तेरा चिड़िया चुग गई खेत, अरे नर चेतरे, झूठ चल रहा है बस, कपट चल रहा है, छल चल रहा है, मिलेगा क्या? तो यही तो सवाल है। वो कवाली आपने सुनी, क्या बोलता है कवाली में, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बहुत सही। तो हमें बस एक प्रार्थना करनी है सुबह से शाम तक, मेरे दाता, वी हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड, मेरे परमात्मा अभी भी आंखें आपकी अच्छी वाली हैं, आप ही का ही है ये तो चोला, भी हाथ भी सही चल रहे हैं बाबा,
मेरे दाता ने आर्किटेक्चर देखिए उनका कितना यूनिक है, ये जो हाथ है यहाँ पर एक जोड़ दिया है कोहनी, ठीक है जोड़ दिया, अगर बाबा कुछ ना करें इस जोड़ को ही सीधा कर दें, इमेजिन कीजिए खाएंगे कैसे और धोएंगे कैसे, कुछ नहीं करते। देखिए साहब तो मैजिक कौन क्या है ना, बस ये यहाँ से जोड़ दे दें, हटा दें ये मोड़, हटा ही दें, मैं मोड़ नहीं दूंगा चलो तुम्हें, लेकिन इसलिए ग्रेटिट्यूड का अगर रोज स्मरण करके और परमात्मा को नमन करते रहें धन्यवाद भाव से, ये एक जीवन कम है। एक जाते भी हैं मंदिर तो मांगने जाते हैं, भगवान इस बार ये हो जाएगा तो पोता आ जाए, बस घर में बहू तो आ गई है, मर जाले और ले मांगता रह, मांगते भिखारी आ जा। Man is never satisfied. Yeah. The need becomes a greed. Yeah. जो इंसान है, इसलिए मैं कहता हूं ना, इंसान को दो चीज चाहिए साहब जी, एक तो जाना है कौन मैं हूं, सच में मैं आत्मा हूं और तन मन बुद्धि ना हूं। आदमी इंसान को बिकॉज क्या है, देखिए हम बोलते हैं शिव जी राम जी कृष्ण जी बहुत अच्छा, सब भक्ति करते हैं, लेकिन जब तक हम शिवोहम का एहसास नहीं करेंगे, शिवोहम से होगी मुक्ति, शिवोहम का एहसास करे जो शिव को चाहता है वो शिव की भक्ति करे, नमः शिवाय से ये शुरू हो, शिव की पूजा करे, शिव की तलाश में निकले, शिवोहम का एहसास करे, नमः शिवाय नमः शिवाय शिवोहम शिवोहम। आदि शंकर ने क्या कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। कैलाशपति जी जो यहाँ पे कैलाशपति है ना, जो दिखता है यहाँ पे कैलाश खेर, मैं तो बुलाऊंगा नहीं कैलाश खेर, मैं तो कैलाशपति ही बुलाऊंगा, बिकॉज आप सत्य में परमात्मा के रूप है, आपका स्वर आपकी आत्मा आपके विचार, इट इज टू प्योर, इट इज इतनी कैलाशपति से भरी हुई है, चाहे दुनिया मैं कोई मुझे पूछेगा आपने कैलाश खेर से रिकॉर्डिंग किया, ना ना अरे मैंने देख वो झूठ है, मैंने कैलाशपति से रिकॉर्डिंग किया। मैं ना भक्ति करूं ना मैं बालू दिया, मैंने मंत्र अनोखा रटार पिया, थारी में ध्यान धरूं बस थारी धुन में रमूं, अपने आपे में हमको संभालो जी, हो मैं तो अलख निरंजन मानूं तमें बाना भर लो कोई भी पिछाड़ू तमें, जग मोहे बावरी कहे चंचल चतरा कहे, अपने हृदय में हमको बसालो जी, हो जी। मैं आपको आज एक रहस्य बताने वाला हूं, बताओ एक रहस्य जी। दुनिया कहते हैं योग में रहो, योग मतलब योगी जो योग में सदा ही रहे, प्रभु के योग में रहे, संसार की माया में वो ना फंसे, सदा योग में वो रहे, प्रभु की प्यास हो सदा प्रभु से प्यार वो करे, योगी वो है जो माया से बच के रहे, प्रभु के योग में रहे। संसार जानते हैं योग के चार स्थिति है, आपने सुना है जी, ध्यान योग जी, भक्ति योग जी, कर्म योग जी और ज्ञान योग जी, कोई राज योग बोलता है जी, जी। मेरे प्रीतम मेरे प्रेमी प्रभु सब कुछ तुम ही,
तुम बिन प्रभु क्या जीना, तुझसे भक्ति प्रभु ऐसी चाहूं तुम बिन कुछ ना। तू मिल गया सब मिल गया। तो ये हो गया, ये है प्रेम योग। और इसी प्रेम योग में मैं क्या कहता हूं कि प्रभु हमारे सांस सांस में है, प्रभु पल पल साथ है। मेरे चित्त में और ख्याल में तुम बस तुम ही हो, ऐसा कोई पल नहीं जिसमें तुम नहीं हो। तू दिल की धड़कन, तू मेरी जान हो, तुम हो तो मैं हूँ, तुम बिन नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। सरस्वती जी, जब मैं प्रभु के प्यास में जिया, प्रभु के प्रेम में जिया, इंसान का मकसद ये है कि हमें भोग में नहीं जाना है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो हमें भोग में नहीं जाना, योग में रहना है। लेकिन मैंने सोचा, मैं सवेरे उठता हूँ ध्यान योग में, फिर भक्ति योग में, फिर कर्म योग में, फिर ज्ञान योग में, फिर मैं संसार में निकलता हूँ, फिर मैं फंस जाऊंगा। तो आप में एक स्पेशल योग है जो मैं आपको कहता हूं आज। पांचवी स्थिति है प्रेम योग। प्रेम योग का मतलब यह है कि हर इंसान में हम भगवान देखें। जी, और मैं ये बताना चाहता हूं साहब, आपके विचार को मैं सेकंड करता हूं, बल्कि एक्सटेंड करता हूं, बल्कि एम्पलीफाई करता हूं। भक्ति से बड़ा है प्रेम। बिल्कुल। और आपकी जो गाने हैं ना, ये तेरी दीवानी और आपकी जो सैया, अरे ये चांदन में ये, आज मेरे पिया घर आएंगे, क्या है ये? तो ये तो आपने शब्द नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको आज से लिखना, ये प्रेम योग है। तो दुनिया नहीं समझती प्रेम योग। प्रेम योग मतलब ये, इंसान मैं नहीं सच में भगवान हूं, दिखता जो मैं वो नहीं आत्मा मैं हूं, अनुभूति हो गई एहसास हो गया, नेति नेति तत्वमसी ये नहीं वो मैं हूं। क्या बात सा। कैलाशपति जी, आपका मेरा एक ही मकसद होना चाहिए कि इंसान को हम समझाए, हे इंसान, तू स्वयं भगवान है। तो सर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, इंसान यदि समझाने जाएंगे तो समझेगा नहीं। हाँ, तो फिर तो सब उनको केले में दवाई का काम करना है। केला ले, केला खा ले। तो केला खिलाएंगे, तो कैसे आप आइडिया दीजिए कैसे? तो वो संगीत के माध्यम से हो रहा है ऑलरेडी। हम लोग जो कर रहे हैं वो जगाने का काम करते हैं। हाँ। लोग जाग रहे हैं। हाँ। अब युवाओं से लेकर वृद्धों तक, प्रौढ़ों तक, सब जाग रहे हैं। हमारे गाने जो हैं वो सिर्फ क्लबों में नहीं बजते, वो आश्रमों में, मठों में, सब जगह बजते। हमारे गाने संत भी गाते हैं। बहुत अच्छा। संत, बड़े बड़े महासंत जो होते हैं, जिनके बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े फोटो छप रहे हैं, जिनके प्रोडक्टों पर भी फोटो छप रहे हैं, उनके दाल पर फोटो, जीरे पर फोटो, वो भी गाते हैं हमारे। बहुत अच्छा। तो यदि ये है, ये जाग है, इसको जाग कहते हैं। तुमने जाग मचा दी, तुमने जगा दिया संसार को। हम वही कर रहे हैं, लेकिन बोल के नहीं, बोल के करेंगे तो सब गड़बड़ हो। नहीं, आप संगीत से कीजिए ना। तो संगीत से ही चल रहा है आपका स्वर। कैलाशपति जी, आपका स्वर प्रभु ने आपको इसलिए दिया कि आप लोगों को जागृत कीजिए। जागृत कीजिए, आपका यही मकसद है। सर, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, हम लोगों का, हम लोग जीवन नहीं जीते साहब, हम उद्देश्य जीते हैं, हम लक्ष्य जीते हैं, हम जुनून जीते हैं, हम पागलपन जीते हैं। बिल्कुल, आपके शब्दों में ना प्रेम योग है। प्रेम योग, प्रभु के प्यार में ऐसा एक नशा है, प्रभु को प्रेम करने में ऐसा मजा है। वाह। प्रेमी में जो प्रभु पाता, मस्ती में जीता है, प्रेम योग में जीता है, आनंदा में जीता है, प्रेम योग से मिलता निर्वाणा। देखिए मेरा, मेरी आवाज नकवास है। आपको आपको इन शब्दों को, इन इन इस आवाज में भगवान ने लाड़ दिया है। लाड़, ये लाड़ली आवाज है। युवा, तो इसको बकवास ना कहिए, इसको लाड़ कहिए। ये लाड़ बहता है इस घनत्व से, इस चैनल से जो बह रहा है, वो लाड़ है, वो प्रेम है, ठीक है। और जो आपको दिख रहा है, क्योंकि आपकी आंखों में भी परमात्मा बसे हैं, तो वही देख रहे हैं जो उनको देखना।
तो ये मैं इसके लिए बड़ा कृतज्ञ हूँ, बड़ा धन्य हूँ कि आप जिस भी जगह जहाँ भी हैं वो लॉ जलाए हुए हैं, वरना विदेश में रह के तो और डर लगता है कि वहाँ पर तो क्योंकि बहुत नकली होना पड़ता है, वहाँ की गाइडलाइंस में जीना पड़ता है, तो उस वजह से और बन के रहने लगते हैं। मनुष्य होती नदी है, बनती नहर है, बनने में लगे हैं सब। जो हम सब हैं, जिस सांचे में, जिस पिंजड़े में, जिस चैनल में हमको बनाकर भेजा है, उसमें हमें डाउट्स होते हैं, उसमें हमें संशय होता है। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू नो हर, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। अरे भाई तू लाइक हिम लाइक हर कई चक्कर में रहेगा तो लाइक यू कब बनेगा? तो ये होता है। एक बार हम गा रहे थे, हमारी रिकॉर्डिंग थी 2007 में, नए नए हम आए थे, 2006 से हमारा करियर शुरू हुआ है यहाँ पर। तो 2007 में एक फिल्म आ रही थी किसना, बड़े दिग्दर्शक थे, बड़े डायरेक्टर थे, खड़े थे, और म्यूजिक डायरेक्टर भी उसमें नामचीन थे, और बोलने लगे हमको मोहम्मद रफ़ी को याद करके गाओ, मोहम्मद रफ़ी की तरह इसमें थोड़ा सोज लेके गाओ। मैंने उस वक्त बोला कि नहीं, मोहम्मद रफ़ी को सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही गा सकते हैं, बाकी उनकी तरह गाना वो फिर जैसे हंस की नकल कौवा करे तो वो नहीं। मैं कैलाश खेर हूँ, हम कैलाश खेर जैसा गाएंगे। तो ये हमारे तेवर देख के वो थोड़ा बिदके, क्योंकि फिल्मी लोग बिदक जाते हैं, फिल्मी लोगों को सहज में रहने की आदत नहीं है, उनको ईगो में रहने की आदत है, तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये है, ये भी सत्य है। तो उनको घमंड और ईगो जो भी है, उनकी आत्ममुग्धता, उस पर प्रहार होता है यदि कोई सत्य बोल दे तो, और हम सत्य बोल रहे हैं, हम उनको प्रहार जानते भी नहीं, हम तो वो क्या है। तो वो एकदम चौंक गए, नहीं बोलते कौन है यार, ये इतना सा है, कितने तेवर हैं इसमें। तो ये उनकी आवाज हमको आई तब तक, क्योंकि फोल्ड बैक पे ही चल रहा है आपने। नहीं तो उस वक्त जो वो गाना था कोई फिल्मी, हम फिल्मी गानों का ज्यादा रेफरेंस भी नहीं देते। अच्छा, गुड, वेरी गुड। क्या होता है, हम रहते हैं फिल्मों में, जीते हैं इल्मों में, हम जो फिल्मी गाने भी अब हमारे कॉन्सर्ट में भी कैलाशा कॉन्सर्ट जब होते हैं तो हम फिल्मी गानों को भी बहुत इल्मी बनाकर गाते हैं। पता है, अब जो कैलाशा कॉन्सर्ट करते हैं ना जी, अब हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। देखिए, अलकनंदा ने भागीरथी की मदद नहीं की थी, वो तो साथ चल पड़ी थी बस। मैं तो नमन करता हूं, हम तो अब सहयोगी हैं, सहगामी हैं, सहगामिनी हैं, सहचर हैं, साथ में चलेंगे अब। मैं बोलूं एक बार, और एक और एक 11 नहीं 1100 हो जाएंगे। कैलाश पति दुनिया बदला सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। सर बदल रही है दुनिया, सर यही दुनिया थी 2000 जब हमारे करियर की प्रारंभ था, तब गाने चल रहे थे चमन ऐसे खिलता है, यहाँ कांटा लग जाता है, ये सब चल रहा था रिमिक्स में। और उस वक्त नयों में भी थोड़े अलग शब्द आ रहे थे, ये तेरे वो भीगे हुए हैं, मेरे साथ कभी रात गुजार के देख ले, फिर मैं तेरी सुबह तक क्या हालत कर दूंगा, ये सब चल रहा था। वहीं पर अचानक बाबा आए, प्रकट हुए और छोटे से घनत्व से क्या लिखने लगे, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरी आरती उतारूं, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं। उस वक्त जब लोगों का मन कुछ और करने को कर रहा है, हल्की बात करने को कर रहा है, और उस वक्त अचानक दाता बोल रहे हैं, तुझे जीत जीत हारूं, तू धरे जहां पाओ तो मुस्काए ये धरती, सैया मारी बिनती सुन लो आन, मारे भगवान हमें ना सताओ जी, आओ जी आओ जी, भगवान आरती मंदिर पुजारन सुहागन, ये लेकर तभी आ गया एक बाबा कैलाश खेर के भीतर घुस के और लिखवाने लगा, तो अमृत तभी से बहने लगा। और उस वक्त जब सब लोग शैलो बात कर रहे हैं, शरीरी बात कर रहे हैं, सतही बात कर रहे हैं, दो कौड़ी की बात कर रहे हैं, देखिए पहली बुझने ने पाई दूजी और सुलगाई नौजवान ने, ये जो चीजें हैं सतही, इन सतही चीजों में क्या होता है, आज ये हमें बड़ी आकर्षक लग रही हैं, इनकी तरफ मन मोहित हुआ, थोड़ी देर बाद इन्हीं की सहेली कोई आ गई, वही मन वहां मोहित होने लगा, तो ऐसे मन का क्या करें। तो
मेरा मन चंचल दिन रात भटकता भरता फिरे उड़ारी। मन कभी कहे तू छोड़ गृहस्थी बन जाना तपधारी। अरे मन कही कभी कहे कि राष्ट्रपति की होती पद्मी हमारी। और कभी मन कहे कि मिल जाए दुनिया की दौलत सारी। ये मन जो है तो चंचल है, इसको तो थामना है। और इसको थामने के बाद सत्य के धरातल पर जब मेरा दाता बैठ जाता है घट में तो ये चीजें लिखवाता है। इसके बाद भी साहब दाता रुके नहीं। अब दाता देखिए, हेरी सखी मंगल गौरी, ये तो पिताजी के जाने के बाद वाली स्थिति। धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, क्योंकि उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जी वारो, नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। सेलिब्रेशन ऑफ मिलन, सेलिब्रेशन ऑफ इंतजार, कैन यू बीट दैट? जो पहले इरिटेट करती थी चीजें, अब वो सेलिब्रेशन में चल रही। तो दाता शुरू हो गए थे भीतर बैठकर लगभग 15-18 साल पहले, और अब अनवरत बह रहे हैं। अब ऐसा ऐसा लिखा गया है साहब, और ऐसा ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि अब एक और एक 1100 हो गए, 11 नहीं 1100। तो मन के बारे में मैंने क्या कहा लिखा है, मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है। मन को है मारना दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे शांति वो पाता। अब इसमें साहब हमारे बड़ों की एक पंक्ति गाता है आपका कैलाश, वो ये है कि जी मती मारो, जी जी मती मारो, मोह मत लाना, अटैचमेंट में नहीं जीना, और बिना प्रेम मत आइयो जी। अरे वाह, प्रेम से खाली ना होना, मोह में ना पड़ना। देखियो नीड में और ग्रीड में ना और जो का ही फर्क है, बिल्कुल। बट जी मती मारो, इनको तो कंट्रोल में रखो, मोह मत लाना, मोह में भी मत रहना, अटैचमेंट बहुत दुखी देगा, दुखी करता, लेकिन प्रेम, लेकिन प्रेम से कभी खाली होना मत। प्रेम तो प्रभु है, प्रेम प्रेम जो आता है लोग नहीं समझते हैं, प्रेम प्रभु है। वाह, प्रेम प्रभु से निकलता है और प्रेम प्रभु के लिए ही जाता है। फागुन फीके मत ना जानो मीठे वचन कहो, फागुन फीके मत ना जानो मीठे वचन कहो, और भले भले में सब हैं राजी, बुरा किसी को मती कहो, बुरा तुम अपने को मानो, भवसागर है गहरा फंदा इसमें मत बहना, रे बाबा गुर गुर कहना सबकी सहना, ये तन झूठा जाल नाम साहेब का लेना जी। तो अब जो ये उद्देश्य यदि हमें समझ आ जाता है तो जीवन का लक्ष्य बहुत आसान हो जाता है। हम जीवन नहीं जीते, हम जुनून जीते हैं, हम लक्ष्य जीते हैं। वी आर ए कंपैशनेट पर्सोनिफाइड इन द ह्यूमन शेप। भगवान को ढूंढता कहां, तेरे अंदर वो बसा, क्यों तू उसे ढूंढता है, आत्मा है परमात्मा, इसका एहसास होना, प्रभु अंदर बसता है, क्यों तू उसे ढूंढता है, ढूंढो ना वो यहाँ, क्यों उसे ढूंढता है। जुनून जो आपने कहा ना, बस इसको अभी एक और एक 1100 करना है, और हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे साहब, साहब। और बस अभी दुनिया को एक नई रोशनी दिखानी है, बने रहो साहब, बने सत्य क्या है, हरिओम साहब, बने रहो। ये जो ये गाते हैं फिल्म वाले उनको समझाना है कि रामावध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, घर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। बस अब आपकी कृपा से, आपकी ग्रेस से कैलाशपति जी, वी मस्ट, इसके बाद आप कैसे बोलेंगे, करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, विचार करेंगे, करेंगे सर। संगीत ऐसी एक स्थिति का दूसरा नाम है साहब। संगीत मेरे दाता का ही एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वो स्वयं हृदय हृदय छूते घूम रहे हैं। संगीत ऐसा एक उन्होंने एक फॉर्म बनाया, एक स्थिति बनाई, एक यूनिट बनाई, इकाई बनाई। इन ये जो प्यारी आत्माएं यहाँ खड़ी हैं, इनसे भले हम बात ना करें लेकिन हमारी बहुत बातें हो गई हैं इनसे। ये संगीत का असर होता है, I think so. बिल्कुल। तो संगीत मेरे दाता हैं, स्वयं परमात्मा ही संगीत हैं। वो बिन बोले बात कर लेते हैं, आंख मूंद देख लेते हैं,
ये है संगीत। इसलिए आपके संगीत से दिल मचलता है। साहेब पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा, ना नाद है ना कोई तार है, नाद न कोई तारा, एक तारा वाला नहीं नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्धचंद्र माथे पे साजे, वक्षस्थल का पाल विराजे, और जटा चक्र से बहती निर्मल शिव धारा। हर हर शिव शंभू, जय जय केदारा। तो अब ऐसे ही बह रहे हैं दाता, अब इन्हीं इसी वेग को बड़ा करना है, इसी धार को धारा बनाना है। और ये गंगधार हो गई है, देखिए भागीरथी और अलकनंदा का संगम हुआ है, आज दो नदियों का एक हो गए, एक हुई हैं। और ये जल प्रपात होते 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 इस इतना सींचेगी, इतना अविरल, इतना निर्मल धार बहाएगी कि बहुत लोगों का और भी भला होगा, हो भी रहा है, लेकिन कह के नहीं। मनुष्य को यदि आप कह के भलाई करेंगे तो वो होशियार हो जाता है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है या नहीं, मनुष्य भूत है, मनुष्य जानवर है, उसके अंदर के जो विकृत मानसिकता है वो उग्र हो जाती है पहले। जैसे ही आप बोल के इनको, अभी अचानक हम बोले ये मिठाई है हमने घर से बनाई है, तो ये एक्टिंग करेंगे, नो आई एम यू नो आउट ऑफ शुगर दिस डेज, यू नो दिस एंड दैट। जैसे हम बोलेंगे ये सिद्धि विनायक का प्रसाद है, तो पेल जाएंगे। इनकी साइकोलॉजी से खेलना जरूरी है मनुष्य की। अंग्रेजों ने साइकोलॉजी से ही खेला अपने धनिये को, हमारा धनिया जो था उन्होंने कोरिएंडर बनाया। याद रखिए साहब, ये बड़ी सहज बात है लेकिन इसमें बड़ी असहज एक स्थिति है। उन्होंने अलेक्जेंडर के बाजू का शब्द उसको दिया, कोरिएंडर अलेक्जेंडर। तो लगे भाई कोई अलेक्जेंडर के बाप का कोई नाम ले रहा है, कोरिएंडर। दादी ने कहा बेटा ये एक रुपए का जरा धनिया ले आना, बाहर रेडी रेडी वाला खड़ा है। तो बालक जो है, अमीर बालक हैं, स्पॉइल्ड हैं, थोड़े ब्रैट हैं, तो भाग गया साइड से। लेकिन वो गर्लफ्रेंड ने बोल दिया, जॉन कुड यू प्लीज गेट मी कोरिएंडर फॉर माय प्रोजेक्ट। तो भाग गया चार्टर प्लेन से, बाप का प्लेन लेके भाग गया इटली, इटली यूरोप भाग गया। माय यू नो माय या मैन शी हैज आस्क्ड कोरिएंडर, यू नो आई हैव टू ब्रिंग इट एनीहाउ, यू नो। ये दुनिया वो है, ये ब्रैट्स की दुनिया है। इसमें बोल के अगर खिलाएंगे कुछ तो खाएगा नहीं, इसमें बोल के कुछ देंगे तो लेंगे नहीं। चुपचाप इनको ये संगीत का रस अमृत पिलाते रहो, अपने आप मुगली घुट्टी समझ के खींचते रहेंगे और बोलेंगे वेरी स्वीट, वाओ मैन वेरी यम्मी। तो ये ठीक है इनके आप, लिए आप तो रेडी हो, कैलाशपति को महादेव ने रेडी करा दिया। हाँ, हमारे दाता ही बह रहे हैं। हम तो देखो कुछ बस इतना ही है कि हम ज्यादा शोर नहीं मचाते, चुपचाप एक के बाद एक रचनाएं आती रहती हैं और यहाँ पर असर डालती हैं। जैसे ये इनका, इनके हृदय जो कैद होने लगते हैं तो माइंड हल्का पड़ता है फिर, क्योंकि माइंड बाज सारे दिमागदारों ने ही सारा दुनिया की हालत पतली कर दी। दिलों में जब तक बालक रहता है तो मासूम रहता है, प्यारा लगता है। जैसे ही वही बालक दिमागदार हो जाता है तो वो चीटिंग सीख जाता है, झोलझाल सीख जाता है, वो इधर उधर के स्कैम्स में पड़ने लगता है। दिमाग दिमाग बहुत तेज ले जाता है, शैतान का घर। तो इसलिए दिलों में परमात्मा का आना धीरे 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 मनुष्य होश में आता है फिर। तो ये गाना जो है, संगीत ये दिलों का सब्जेक्ट है, दिमाग का है ही नहीं, तो ये दिलों को छूता है। और आपकी आत्मा से आप, हाँ, कैलाशपति की जो आत्मा है वो परफेक्ट बस बन। देखिए अगर हम भी बन ले सर, मैं अपने भगवान को बड़ा धन्यवाद देता हूँ, यदि मैं ऐसा गाता, सपोज मुझे ऐसा बनाते, अगर मैं ऐसे वाला होता गायक तो मैं दिमाग में होता, मैं थोड़ी चलाकी सीखता, यार चल नहीं रहा यार, एल्बम कैसे करें यार, एल्बम को क्या क्या करें, अच्छा तो इसमें बिकिनी का एक दो शॉट डाल देता हूँ थोड़ा, है ना लोगों में, अभी क्या है यार, जमाना अभी ऐसा ही हो गया है, ये बनना पड़ता। भगवान ने ये अच्छा किया कि ऐसा कर दिया। आप अलग है, इसलिए आपके माँ बाप ने अपना नाम भी कैलाश रखा कि मैं आपको कैलाशपति बोल सकूं। ऐसा कर दिया कि मेरी मैं खा गई
जब से तू आ गई बस बचा हूं कोरा, हे बावली हे गोरा, हो दिन ब दिन अब तेरे बिन सांसें कटती हैं गिन गिन, तेरी धुन में रहता हूँ गुनगुना के तक दिन, है मेरा इश्क अनोखा हैरी, है मेरा इश्क अनोखा हैरी, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा हैरी, है मेरा प्रेम निराला हैरी, मेरा इश्क तो अनोखा है, मेरा प्रेम निराला है, हमें ड्रामे करने नहीं आते, ये नहीं आता हाय जान इट्स योर बर्थडे सरप्राइज, ये नहीं कर पाते हम, इसलिए फेल हुए संसार में, इसलिए फेल हुए। हमारी भी शादी हुई थी, हम ग्रस्त में भी गए थे, एक बेटा भी प्राप्त हुआ, उसके बाद बात बनी नहीं, तो बाबा को पता था कि ये तो मुक्त की है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाबा को पता था कि नहीं भाई इस ये थोड़े ही दिन का है, इसलिए आपको भी मुक्ति है मुझे भी मुक्ति है। मेरे दादा ऐसा हमें फिर आजाद करके बात बताया, तू बड़े काम के लिए आया है, तू फंसने के लिए नहीं, छोटे काम से निकल बड़े काम करने हैं, तो इस तरह से है मेरा इश्क अनोखा हैरी, बस बताना नहीं आता, हाँ जताना नहीं आता, हमको ये बर्थडे भूल जाते हैं, ये कल ही हमारे पुत्र का बर्थडे था। अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं आई थॉट यू मस्ट बी बिजी इन योर सन्स बर्थडे सेलिब्रेशन, मैं मिला ही नहीं उससे कल, भगवान ने हमको शूट में बिजी रखा 2 बजे तक, परसों रात को भी हम 1 बज गए था, लेकिन 1 बजे क्योंकि वो 14 का हुआ है कबीर, 14 वर्ष में उसका पिंजरा हो गया, तो तब हमने उसको वादा किया था कि इस बार तुझे फोन देंगे, क्योंकि उसके साथियों के पास 10 साल के जब वो थे 4 साल पहले से फोन थे कम्युनिकेशन के लिए, कहीं आता है जाता है, तो अभी तो वो किसी के फोन से बात कर लेता था, अभी हमने उसको ऐसा बोला था, अब मैंने वचन दिया था कि जब आप 14 के हो जाओगे तब हम फोन देंगे, तो उससे मिले भी हम 1:30 बजे परसों रात को, जब 28 तारीख हो गई, 28 दिसंबर का उसका जन्मदिन था, तो मैं 1:30 बजे फ्री हुआ अपने शूट से, भारत का अमृत कलश हम एक रियलिटी शो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे निकले, मैंने बोला भाई सोना मत कबीर जागना, वो खुद ही जागा हुआ था कि या पापा डू यू थिंक विल आई स्लीप लाइक गेट अ स्लीप लाइक दिस, आई एम सुपर एक्साइटेड, आई कांट बिलीव आई एम गोइंग टू हैव अ फोन ऑन माय ओन नाउ। अच्छा तो मैं फिर उसको घर गया 1:30 बजे रात को, उसको पिक किया क्योंकि वो अलग रहता है अपनी माँ के साथ, वहां से पिक किया, फिर गया, फिर हमने वो ड्रामा किया हल्का सा, क्लोज योर आईज ऐसे हाथ में दिया थोड़ी देर का, वो 5 मिनट का ड्रामा किया, उसका भी वीडियो ना ले पाए, देखिए संसार कितना जबकि चमकाता है ये सब चीजें, उसका भी ना ले पाए, फिर थैंक गॉड हमारी टीम है पूर्वी, उन्होंने एक 3-4 दिन पहले हमारा ट्रेवल कर रहे थे जब हम, तो हमारा एक फोटो लिया हुआ था, नहीं तो हमारे पास फोटो नहीं था लेटेस्ट में उसका, तो हे भगवान मैं कितना धन्यवाद दिया उनका, चल ये फोटो डाल देता हूँ। कल मैंने साहब शूटिंग के बीच में एक फोटो डाला 9 बजे रात को, कि ये कबीर का बर्थडे है 14th और बहुत लोग उसमें बधाई दे रहे हैं और ये कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जिनको पता है और धन्यवाद और ये सब लिखने के बाद, जैसे मैंने पिक्चर पोस्ट की वो तीनों जगह, तब तो धड़ाधड़ बधाइयों के संदेश फिर आए, क्योंकि कुछ लोग तो हमको ये सब दिखावा नहीं आता और ये बहलावा नहीं आता, फिर भी हम जीते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कबीर भी समझ गया कि भाई पिताजी जेन्युइनली तो पहुंचा है, कुछ अलग रास्ते पे हैं तो इनको ना सताया जाए। अच्छा उसको कल अपने फ्रेंड्स को कहीं भोजन कराना था बाहर ले जाकर किसी रेस्टोरेंट में, तो वो हमसे बात भी ना कर पाया, ये हमारे मैनेजर साहब बैठे हैं देखिए चश्मा लगाया अभी भी काम पे लगे हैं, उनसे सेटिंग कर ली उसने कि मुझे रेस्टोरेंट बुकिंग कराओ, हाँ कि मेरी बुकिंग करवा दीजिए, कहीं कहीं कुछ उसने चॉइस बताई होगी, चॉइस में भी हमने इन्वॉल्व हुए हल्के से, इनका ऐसी ऐसी जगह नहीं जहाँ हम ना जानते हो, जहाँ हम जानते हो, जहाँ का रेस्टोरेंट, जहाँ के कारीगर शेफ
और वो सब समझदारी के भोजन बनाएं, वो मलाईदार ज्यादा ना बनाएं, क्योंकि मलाईदार भोजन जो है वो पेस्ट बने हुए फ्रोजन होते हैं और वो फ्रोजन को अचानक माइक्रोवेव करते हैं तो वो जहर बनता है, जहर। और जहर जो है वो बच्चे हो या बड़े हो उनके यहाँ वो टायर और ट्यूब जैसी लेयर लाता है जहर, तो वो हम जरा उसको रोकते हैं क्योंकि वो थोड़ा स्पोर्ट्स में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है और फुटबॉल और ये। और मैंने उसको एक बात समझाई, अगर तुझे वैसा शरीर करना है जो दुख दे तुझे तो you are most welcome but it is your choice। तो ये सब हुआ, तो हमको बर्थडे तलक याद नहीं रहते लोगों के जो अपने भी होते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोग बिगड़ गए हमसे, बिगड़ गए तो बिछड़ भी गए। फिर हम हंसते भी हैं कि चलो शायद इनको भगवान ने सही रास्ता दिखाया कि इन तिलों में तेल नहीं है तो इन तिलों में ज्यादा मेहनत ना की जाए। आपके लिए थोड़ी पड़ता है वो जन्मदिन है, हम हंसते हैं सर। तो हम गाने में क्या बोलते हैं? हम हंसते हैं, देखिए जन्मदिन कभी भी मनुष्य का हर पल एक जन्मदिन है, हर पल। ये जो सांसें आ रही हैं ये मेरा दाता ले रहा है, मेरे दाता का जब मूड, जब भी मूड मेरे दाता का बदल गया वहीं रोक लेगा एक सेकंड में, क्षण ले बेटे रोक ली। हमें लग रहा था हम ले रहे थे सांस, तू ले रहा था तो तू चला के दिखा, चल तो ले कोई और रहा है, जी कोई और रहा है, मेरे अंदर बोल कोई और रहा है, मुझे लग रहा है ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं है ही नहीं। मैं क्या हूं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही है, वो वाली स्थिति है साहब। तुम बिन मैं क्या कुछ भी ना, लहर एक हूं मैं प्रभु, आता मैं जाता प्रभु, तू है समुंदर सारा, तुझ में समाता प्रभु, तुझी से मैं आता कुछ भी ना। तो आप ये भाई आपको वहां कब तक पहुंच गए हैं साहब? यू हैव बीन अवेकेंड एंड एनलाइटन विद द ट्रुथ। आपकी जो अनुभूति है ना कोई लोग नहीं समझेंगे साहब, लेकिन आपकी संगीत के द्वारा, जैसे आप गाते हैं लोग क्या गाते हैं? बधाई हो बधाई जन्म, मैं क्या कहता हूं? बधाई हो बधाई आगमन दिन की तुमको, बधाई हो बधाई आगमन दिन की तुमको, आगमन दिन ये तुम्हारा जन्मदिन नहीं ये तो, आगमन दिन ये तुम्हारा जन्मदिन नहीं ये तो, जिसको एहसास हो जाए आगमन दिन है ये तो, ये तो आगमन दिवस है। सही बात की नहीं है जन्म? अरे हम आप जैसे बोलते अनंत अनादि, मैं तो वो आत्मा हूं जो अनंत अनादि है जन्म के।